चलिए आज की पढ़ाई को हम शुरू करते हैं और आज हम अवतल लेंस में या कॉनकेव लेंस में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं और साथ में लेंस की क्षमता के बारे में बात करेंगे, पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे। और सबसे खास बात यह है कि जो पावर ऑफ लेंस है उससे आपकी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस में जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है और लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, इसका एसआई मात्रक, विमी सूत्र आपका, इसका एसआई मात्रक और इसके बारे में जो आपका इसका इसके जो सवाल है ना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, है ना? इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस या अवतल लेंस आपको पता है कि ये बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है। तो बीच में पतला और किनारों पर जो मोटा लेंस होता है उसको हम कहते हैं आपका अवतल लेंस। और इसमें अवतल लेंस में नॉर्मली जो प्रतिबिंब बनता है वो एक ही तरह से बनता है, नॉर्मली एक ही तरह से हम कहते हैं उसको, एक ही तरह से प्रतिबिंब बनता है। ये हमारा अवतल लेंस है और इसमें ये क्या है, ये बीच में पतला है, यहाँ पतला रहता है और किनारों पर ये मोटा रहता है। जब आप उत्तल लेंस और अवतल लेंस को साथ में ले, ये उत्तल है, ये बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है और ये किनारों पर मोटा है। तो ये जो लेंस होते हैं अवतल लेंस जिसको हम कह रहे हैं, तो ये क्या है आपका, बीच में से पतला है और किनारों पर मोटा होता है। अब मैंने अभी आपसे कहा कि इसमें एक ही तरीके से प्रतिबिंब बनता है, तो यहां फिर मैं एक नंबर और दो नंबर क्यों लिखूंगा, उसको आप जरा देख लीजिएगा कि अगर वस्तु अनंत पर होती है ना, तो फिर जो है हम कहते हैं कि अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब एक खास तरह से बन सकता है। अदरवाइज इसमें सभी जगह वस्तु को आप लेंस के सामने कहीं भी रखिए, प्रतिबिंब केवल एक ही तरीके से बनता है सिवाय अनंत के। तो चलिए पहले हम अनंत को ही ले लेते हैं, है ना? तो मैं इसमें आपको इसके प्रतिबिंब रचना के नियम भी सिखा दूंगा और साथ में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये भी सिखा दूंगा। तो चलिए अगर मान लेते हैं हम कि वस्तु अनंत पर है, तो ऐसा मान लीजिए चलिए कि वस्तु अनंत पर है तो अनंत से जो आने वाली किरणें होगी वो तो ऐसे आएगी डैश 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 करते हुए, फिर ये ऐसे आ जाएगी। तो अनंत से जो आने वाली किरणें हैं वो इस लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगी, लेंस से अपवर्तन के बाद ये देखिए अनंत से किरणें आई है ना, कहीं बहुत दूर से आ रही होगी, है ना? इसलिए मैंने इसको इस पर वस्तु नहीं बनाई है ना। तो अनंत से आने वाली जो किरणें हैं वो लेंस से अपवर्तन के बाद कुछ इस तरह से निकलेगी ऐसे, और ऐसे किस तरह से निकलेगी, इस तरीके से देखिए, ये लेंस, ये आपका देखिए, ये आपकी अपसरित हो गई है ना, फैल गई, ये देखिए यहाँ आई और ये यहां से फैल गई। और अगर हम नीचे भी एक प्रकाश की किरण ले लें, अब आपको मैंने सिखा रखा है कि प्रकाश को हमेशा या जो वस्तु से आने वाली जो वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं और उससे जो उल्टे हाथ की तरफ रखते हैं ना, और उससे जो आने वाली किरणें हैं वो इसको इस तरीके से लाते हैं, और जब अनंत पर होती तो एक मुख्य अक्ष के ऊपर से लाते हैं, एक मुख्य अक्ष के नीचे से लाते हैं, ऐसा हम करते हैं नॉर्मली, है ना? आप चाहें तो दोनों ऊपर से ले आइएगा, बट ऐसा अनंत में ऐसा हम करते हैं कि एक ऊपर से लाते हैं एक नीचे से लाते हैं, है ना? नॉर्मली ऐसा हम करते हैं सामान्य तौर पर, ये कोई नियम नहीं है, ठीक है? तो चलिए अब आपने क्या किया, ये मुख्य अक्ष तो आपकी ये काली वाली लाइन है ना, ये इसका वो क्या है, इसका वो इसका प्रकाश केंद्र है। F1 क्या है इसका, F1 क्या है इसका, F1 और 2F1, देखिए F1 आपका मुख्य फोकस हो गया और ये आपका 2F1, उससे डबल दूरी हो गई। F2 आपका मुख्य फोकस हो गया और 2F2, उससे डबल दूरी हो गई। और इसमें ये वाला जो फोकस होता है, ये वाले फोकस को ही इसका कौन सा फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं, नॉर्मली मुख्य फोकस मानते हैं इसको। तो ऐसे में देखिए ये मुख्य अक्ष के समांतर आई, अब ये फिर लेंस से अपवर्तन होगा तो किधर जाएगी, इधर अपसरित होगी, इसको भी इधर अपसरित कर दीजिएगा। तो चलिए तीर लगा दीजिए, आने वाली किरणों के लिए तीर जरूर लगाते हैं हम, याद रखिएगा तीर आपको जब जब आप प्रकाश की किरणों को इधर से लाते हैं तब भी एक एक तीर लगा देना, उधर जाए तब भी एक एक तीर लगा देना, तो ये ऐसे अपसरित हो जाती है, इस तरीके से निकल जाती। अब क्या होता है कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये यहां से आ रही है, यहां से कहां से आ रही है, इस फोकस से आ रही है, ये यहां से। तो डैश डैश करते हुए आप इनको पीछे लाइएगा, डैश डैश करते हुए पीछे लाइएगा। तो चलिए हम डैश करते हुए यहां से देखिए, इसको डैश करते हुए पीछे लाए, इस वाली को पीछे लेकर आ गए और इस वाली को भी आप डैश करके पीछे ले आइए, तो या आप इसको भी डैश करके पीछे ले आइए,
और इस तरीके से आप देखिए, ये आपका आभासी रूप से यहां मिल रही है, तो ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा आपका कहां पर, फोकस के ऊपर, ठीक है। तो आपका आभासी प्रतिबिंब बना है, कहां बना है, फोकस पर, और कैसा बन रहा है, अरे ये तो बिंदु आकार है, ठीक है, आभासी है, सीधा है ना, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा लिखना, आभासी के साथ हमेशा सीधा लिखना, तो आभासी सीधा हो गया, और कहां है ये फोकस पर है, और किधर है, जिधर वस्तु है, ये वस्तु भी इधर ही है, और ये यहां बना है, तो किधर है ये, वस्तु की तरफ फोकस पर बना है, और कैसा बना है, आकार, आकार उसका कैसा है, बिंदु आकार है, और सीधा और कैसा है, आभासी है, मतलब फोकस पर है, और पॉइंट साइज है ना, और कैसा है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, मतलब वर्चुअल मतलब आभासी और इरेक्ट मतलब आपका हो गया सीधा, ठीक है। तो ये आप अगर वस्तु अनंत पर है तो ऐसा बनेगा, अगर वस्तु अनंत पर नहीं है और अनंत के अलावा कहीं भी है, मतलब निश्चित दूरी पर है, मान लो कहीं भी मुख्य अक्ष पर लेंस के सामने, तो फिर प्रतिबिंब एक ही तरीके से बनेगा अवतल लेंस। अब वो कैसे बनेगा देखिए आप, और इसी प्रतिबिंब को आप मानकर चलिएगा कि ये हमारा इसमें यही एक तरह से प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि अनंत का तो हमने कह दिया अनंत में तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, लेकिन अगर आप अवतल लेंस के सम्मुख ये इस लाइन पर, इस मुख्य अक्ष पर निश्चित दूरी पर कहीं भी रख दीजिए वस्तु को, प्रतिबिंब केवल एक ही तरीके से बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, उत्तल लेंस में तो आपने 6 स्थितियां देखी थी, लेकिन अवतल लेंस में केवल ये एक स्थिति है, अनंत को छोड़ दें तो केवल एक स्थिति है कि आप कहीं भी रख दो, अब कहीं भी रख दोगे तो आपका ये प्रतिबिंब, अभी आपने उत्तल लेंस में 6 पढ़ी थी, उसमें एक अनंत की थी और 5 दूसरी थी, अवतल लेंस में आपने क्या करा, आप 2 पढ़ेंगे, एक अनंत की और एक दूसरी, बस। तो देखिए अब अवतल लेंस में क्या होगा, ये मैंने आपको बता दिया ये कौन है, प्रकाश केंद्र है, है ना, अवतल लेंस के बारे में बता दिया, बीच में पतला किनारों पर मोटा हो गया, F1 टू F1, F2 टू F2, ओके। अब आप यहां क्या करिए, वस्तु को कहीं भी रख दीजिए मुख्य अक्ष के ऊपर, ये मुख्य अक्ष आपकी काली वाली लाइन जो से होकर सीधी जा रही है, F1 F2 से होकर जा रही है, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, ये आप एक वस्तु को रख दीजिए, चलिए आपने वस्तु को यहाँ रख दिया इस जगह, है ना, कहीं भी रख सकते हैं आप इस पूरी लाइन पर, तो आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ये क्या होगा, जो नियम मैंने सिखाया वो क्या है कि एक प्रकाश की किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर लाइएगा, और मुख्य अक्ष के समांतर लाने के बाद लेंस से इसका अपवर्तन होगा, अवतल लेंस मुड़ेगी, अपवर्तन मतलब मुड़ेगी, विचलित होगी, तो ये ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी जैसे ये फोकस से आ रही हो, ठीक है। तो पहली किरण, पहला नियम तो मैंने आपको बता दिया, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का पहला नियम हो गया कि ये अगर जैसे इस तरीके से ही, अगर जैसे मान लीजिए आप वस्तु का नाम दे रहे हैं ए बी, है ना, सपोज ये ए बी आपकी वस्तु हो गई, ये वस्तु है, अब एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लाइए, ये आप समांतर लाए मुख्य अक्ष के, ले आए, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ गई, ये तीर लगा दिया आपने मुख्य अक्ष के समांतर, अब लेंस से अपवर्तन करके यूं जाने दो इसको, ये लेंस से अपवर्तित हो गई और ये ऐसे निकल गई, है ना, तो ये आपकी हो गई लेंस से इसका अपवर्तन हो गया। अब आभासी रूप से कैसा लगेगा, जैसे कहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है, ऐसा आभासी रूप से प्रतीत होगा जैसे ये फोकस से आ रही है, यही तो हमने वहां किया है अनंत वाले में, भाई एक आप ऊपर से लाए थे, एक आप नीचे से लाए थे, और यूं निकाल दी थी, और दोनों जो है ऐसा लगा जैसे फोकस से आ रही हूं, और यहां वो दोनों आभासी किरणों के मिलने के बाद आपने कहा था कि एक बिंदु आकार का हमारा प्रतिबिंब बन गया, तो यहां भी वही है, एक मुख्य अक्ष के समांतर तो लाना ही है, और ये लेंस अपवर्तन के बाद ऐसे निकल गई, है ना, ये देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आई, ये अपवर्तन हुआ और ये निकल गई। अब अगर आप इसको आभासी रूप से पीछे लाएंगे तो कहां आएगी, ये F1 पे आएगी। अब दूसरा नियम ये है कि आपको दूसरा नियम, आपको उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों में एक जैसा रखना, और वो मैंने आपको सिखाया था, याद कीजिए, उत्तल में तो एक हो गया था कि मुख्य अक्ष के समांतर तो लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से निकलती थी, ये पहला नियम था, और दूसरा यह था कि ओ की सीध में अगर गए तो सीधे ही निकल जाएंगे, तो यहां भी दूसरा नियम वही है कि अगर आप ओ की सीध में किरण लेकर गए तो सीधे निकल जाएंगे। ये देखिए ये ओ की सीध में गए और ये आपके ओ की दिशा में अगर प्रकाश की किरण आई तो ये सीधे निकल जाएगी, ये दूसरी होगी। ये देखिए ये सेकंड नियम कि अगर आप प्रकाश केंद्र की दिशा से जाते हैं तो वो सीधे निकल जाएगी। अब कितनी किरणें हो गई आपकी, एक और एक दो। आपको पता है कि प्रतिबिंब कब बनता है, दो किरणों के मिलने से, वास्तविक या आभासी रूप से। तो अब देखिए अगर आप इसको पीछे लाते हैं तो ये तो इसी रास्ते पर आएगी, है ना, और इसको पीछे लाते हैं, चलिए इसको पीछे लाओ, देखते हैं फिर आभासी रूप से प्रतिबिंब कहां बना, इसको लाइए पीछे, तो इसको पीछे लाए तो ये तो यही है इसी लाइन पर, इसको लाओ पीछे, तो देखिए इसको पीछे लाते हैं, है ना, तो चलिए इसको पीछे लाते हैं, हम ये लाए हम पीछे इसको, भैया जी पीछे लाओ, पीछे लाओ, ये पीछे लाए, देखिए ये पीछे लिया,
ठीक है। तो अब देखिए ये तो यहां मिल रही है आभासी रूप से इस जगह, क्या कहा हमने, ये गई और ये आपकी अपसरित हो गई है ना, फेल गई, ये वो से सीधी निकल गई, और अगर इसको पीछे लाए तो इसी रास्ते पर आएगी, और इसको पीछे लाए तो ये यहां आएगी, और ये यहां प्रतिबिंब बन रहा है यहां इस जगह। अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा ही तो है, और जिधर वस्तु है उधर ही है, ये सीधा है, देखिए दोनों सीधा, मतलब ये इसका तीर भी ऊपर है और इसका तीर भी ऊपर है, सीधा हो गया। प्रतिबिंब का कुछ नाम दे दें, प्रतिबिंब का कुछ नाम दे दीजिएगा इसको, आप कह दीजिएगा जो भी आपको कहना हो, आप एडेश बिडेश कह सकते हैं, आप पीक्यू कह सकते हैं, आपका प्रतिबिंब हो गया पीक्यू। ओके, आप कैसा बनाए इसके बारे में थोड़ी जानकारी आप दे सकते हैं कि प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में बना। तो हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु को आप अवतल लेंस के सामने कहीं भी रखिए निश्चित दूरी पर, प्रतिबिंब हमेशा प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, हमेशा छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, है ना, और स्मॉलर होगा साइज में आप कहें ऑब्जेक्ट की तुलना में, और वर्चुअल और इरेक्ट होगा, मतलब सीधा और आभासी होगा। मतलब हमने एक बात समझ ली कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो हमेशा सीधे और आभासी बनते हैं, है ना, तो सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा और O और F के बीच में बनेगा। आप चाहें तो ये F1 F2 लिखें, नहीं तो आप F और 2F भी लिख सकते हैं, तो उससे भी आप कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। तो मैंने आपको अवतल लेंस में ये दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाना आपको सिखाए कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और वस्तु अगर अनंत के अलावा कहीं भी हो तो प्रतिबिंब जो है O और F1 के बीच में बनेगा। अब यहां से आपको मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, आपने केवल दो नियमों से यह काम किया, एक मुख्य अक्ष के समांतर डालते थे आप और अवतल में ऐसे जाएगी जैसे फोकस से आ रही हो, तो उसको ऐसे करके ऐसे बाहर करना और डेश डेश करके पीछे ले आना, और एक ओ से सीधी निकाल देना। अगर आप अनंत पे हैं तो कोई बात नहीं, दोनों मुख्य अक्ष के समांतर ले आना। अनंत पे तो मैंने आपको सिखा दिया कि एक ऊपर से मुख्य अक्ष के समांतर लाओ, एक नीचे से मुख्य अक्ष के समांतर लाओ, और दोनों को बाहर कर दो ऐसे, तो वो दोनों ऐसी लगेगी जैसे फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है, आपका प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, फोकस पे बन जाएगा। लेकिन अगर वस्तु अवतल लेंस के सामने अनंत को छोड़ के कहीं भी हो तो फिर वो आप दो बातें कर लीजिए, एक तो एक किरण तो फिक्स है आपकी मुख्य अक्ष के समांतर ले गए, और वो ये लाल वाली ऊपर ये, और वो ऐसे अपसरित कर दी जैसे, और पीछे लाए तो ऐसे लगेगा डेश डेश करते हुए लाना पीछे जैसे फोकस से आ रही, और एक आपने ओ की दिशा से सीधी निकाली, अब अगर वो डेश डेश करते हुए पीछे गई तो वो तो उसी रास्ते पर जाएगी ना, तो कुल मिलाकर वो पी पर मिल रही है, कहां मिल रही दोनों, पी पर मिल रही है, तो आपका प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, पीक्यू बन जाएगा। अब पीक्यू बन रहा है तो पीक्यू एबी से क्या है, छोटा है, सीधा भी है, आभासी है, सीधा जब भी लिखो आभासी लिख देना, ठीक है, और उल्टा लिखो तो वास्तविक लिखना, याद रखना सीधे को सीधे में आभासी लिखेंगे, उल्टे में वास्तविक हमेशा। अब एक बात जो आप यहां सीख रहे हैं कि इसका जो फोकस है ना, ये तो इधर आ रहा है ना, इसी को हम मुख्य फोकस बोलते हैं, तो इसका फोकस इधर आ रहा है, और उत्तल लेंस का ध्यान है आपको, उत्तल लेंस में क्या हुआ था, अगर मुख्य अक्ष के समांतर आते तो यूं निकल जाती थी, तो उसका फोकस इधर आता था, है ना, इसमें फोकस किधर आ रहा है, इधर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको इन प्रतिबिंबों के बाद लेंस की क्षमता के बारे में बताता हूं, और वहां उस फोकस की बात करूंगा जो अभी कर रहा था। चले आगे बढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट फेस में जा रहे हैं हम। देखिए लेंस की क्षमता, पावर ऑफ अ लेंस किसे कहते हैं, लेंस की क्षमता क्या है। जैसे आप यहां देखिए ये उत्तल लेंस है, ध्यान आ रहा आपको, उत्तल लेंस में जब आप ये मुख्य अक्ष हो रही है, तो उत्तल लेंस में जब आप मुख्य अक्ष के समांतर आते हैं तो आप फोकस से ऊपर ऐसे गुजर जाते हैं, है ना, वास्तविक रूप से ऐसे आया और ये आपकी अपवर्तन हुआ और ये फोकस से गुजर जाते हैं। तो मैंने आपको चिन्ह परिपाटी से एक बात सिखा रखी है कि ये जो लेंस का प्रकाश केंद्र है या दर्पण में ध्रुव होता है उसके इधर की सब दूरियां ऋण होती है ना, ऐसा परिपाटी में मानते हैं, और इधर की सब दूरियां धन होती है। तो इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या हो गई, देखिए ये फोकस दूरी है, O और F के बीच की दूरी फोकस दूरी है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, धनात्मक, क्योंकि ये इस साइड है राइट साइड में, तो राइट साइड में प्लस, तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक। अब भी हाल आपने ये वाला चित्र बनाया, इसमें देखो आप, इसमें फोकस इधर है तो इसकी फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है। तो उत्तल की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल की फोकस दूरी क्या है, ऋणात्मक है, ये याद रखना आप। उत्तल में यूं आया और उधर जाइए तो फोकस दूरी धनात्मक, और अवतल में क्या होता है, यूं आया यूं जाएगी और पीछे आती है तो फोकस यहां आता है, तो ये आपका क्या बन जाता है, ऋणात्मक। याद रहेगा आपको, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक,
और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब इसका जो मुख्य फोकस मानते हैं वो हम इस साइड मानते हैं और इसके मुख्य फोकस को आप इस साइड मानते हैं, तो ये आपकी ऋण है और ये आपकी धन है, ये उत्तल और ये अवतल, कॉन्वेक्स कॉनकेव। अब फिर क्षमता क्या है भाई? क्षमता ये है कि ये जो लेंस है, ये लेंस, ये आई प्रकाश की किरण है ना इस लेंस पे। पावर का मतलब ये है, क्षमता का मतलब ये है कि ये अगर मान लीजिए ऐसी बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ जाए और ये लेंस में ऐसी ताकत हो, ऐसी क्षमता हो, ऐसी पावर हो कि ये उनको अभिसरित कर सके, कितनी अभिसरित कर सकती है, ये जो पावर होती है उसको बोलते हैं उसकी क्षमता। तो उसको अभिसरित करने की क्षमता मतलब इकट्ठा करने की क्षमता, कि कौन से लेंस में? उत्तल लेंस में। अवतल में क्या होगा? अवतल में जो प्रकाश की किरणें आती है उनको फैलाने की क्षमता, अपसरित करने की क्षमता, वो कहलाती लेंस की क्षमता। क्योंकि ये क्या करता है? अभिसरित करता है, इकट्ठा करता है। ये क्या करता है? अपसरित करता है, फैलाता है। तो इसके अभिसरित करने या इकट्ठा करने या इसके अपसरित करने या फैलाने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। समझे कि नहीं समझे? देखिए ऐसे कि किसी भी लेंस के द्वारा, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, प्रकाश किरणों को अभिसरण या अभिसरण करना है, इकट्ठा करना है, इकट्ठा, अभिसरण मतलब इकट्ठा करना है ना, या अपसरण फैलाना मतलब कन्वर्ज करना या डाइवर्ज करना, कन्वर्ज या डाइवर्ज है ना। तो या तो कन्वर्ज कर दे वो या फिर डाइवर्ज कर दे, या तो अभिसरण कर दे या अपसरण कर दे है ना। वो कितना अभिसरित या अपसरित कर पा रहा है वो उसकी मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। समझ में आई बात? मतलब कोई लेंस अगर अच्छा बड़ी मात्रा में अगर वो अभिसरण कर रहा है तो वो लेंस का पावर ज्यादा है, वो बड़ी मात्रा में अपसरण कर रहा है वो लेंस का पावर ज्यादा है ना। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन उत्तल लेंस जो होता है, कॉन्वेक्स जो होता है वो अभिसरण करता है, और कॉनकेव जो होता है मतलब अवतल जो होता है वो अपसरण की, याद रखना। और इसकी मात्रा जो बहुत ज्यादा अच्छा करता है तो उसकी क्षमता उतनी ज्यादा अच्छी मानी जाती है। साथ में हमने एक बात और सीख ली कि जो उत्तल लेंस है उसमें फोकस दूरी धनात्मक है, ठीक है, तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। जो अवतल लेंस है उसकी फोकस दूरी देखिए यहां से इधर इस तरफ है ये तो ऋणात्मक है, ये इस तरफ है इसलिए धनात्मक है। हमारी चिन्ह परिपाटी तो यही ना, जो इधर है वो धन और जो उधर है वो ऋण। तो इसमें एफ इधर आपका मुख्य फोकस इधर मानते हैं तो ये आपकी धनात्मक हो गई, इसमें मुख्य फोकस इधर माना जाता है तो ये ऋणात्मक हो गई। तो आपकी ये जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस में हमने सीख लिया कि फोकस दूरी ऋणात्मक है और आपकी जो है वो क्षमता भी ऋणात्मक है। अब आप कहेंगे सर ये परिभाषा है तो इसका फिर अगर सूत्र वूत्र कुछ बना तो उसमें कोई परिभाषा हो सकती है क्या? तो बिल्कुल आपको एक परिभाषा बताता हूँ बहुत बढ़िया वाली, अगर आप ये लिख पाए एग्जाम में डेढ़ लाइन तो ठीक है, नहीं तो सिंपल एक लाइन बताता हूँ आप वो लिखिएगा एग्जाम में। कौन सी है वो देखिए बताता हूँ सिंपल, कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है मीटर में जो नापते हैं उसके व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहते हैं, उसके उल्टे को, मतलब एक बटे फोकस दूरी। क्षमता क्या हो जाएगी? एक बटे फोकस दूरी। और फोकस दूरी काहे में नापना है? मीटर में। तो द पावर ऑफ लेंस में बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, फोकल लेंथ या फोकस दूरी का रेसिप्रोकल, और फोकल लेंथ काहे में नापेंगे? मीटर में, ठीक है। तो अब मतलब ये हो गया कि अगर आपको लेंस की क्षमता चाहिए तो वो हो जाएगा एक बटे फोकस दूरी, और वो भी काहे में होगी फोकस दूरी? मीटर में। अब आप कहेंगे मीटर में क्यों? अगर आप यहां सेंटीमीटर लिखें तो आपको यहां 100 बटे एफ करना चाहिए, याद रखना। मीटर में लिखा है 1 अपॉन एफ, सेंटीमीटर में लिखेंगे 100 अपॉन एफ, याद रखना। तो लेंस की जो क्षमता है, देखिए अब आप ये अगर याद रख लिया किसी बच्चे ने कि P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, मतलब P पावर, पावर लेंस की, पावर लेंस की क्षमता इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ स्मॉल एफ, एफ मतलब फोकस दूरी, जो प्रकाश के O और F के बीच की दूरी, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी, तो फोकस दूरी है। तो जो पावर ऑफ लेंस है या पी है वो एक बटे एफ है, तो क्षमता बराबर एक बटे फोकस दूरी, ठीक है। अब इसकी परिभाषा यही समझ जाएगी कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, ये देखिए फोकस दूरी का व्युत्क्रम उल्टा क्षमता कहेंगे, है ना। तो ये आपका हो गया लेंस की क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता पी बराबर एक बटे एफ मीटर में, ठीक है। अब ये जो परिभाषा यही आप लिख सकते हैं और आप समझ भी गए कि अगर उत्तल लेंस हो तो दोनों धन रखना है, अवतल लेंस हो दोनों ऋण रखना है, और कहीं पे फोकस दूरी धन दी हो समझ जाना उत्तल लेंस है,
क्षमता धन दियो, समझ जाना उत्तल लेन से। फोकस दूरी ऋण दियो, समझ जाना अवतल लेन से, है ना। फोकस दूरी ऋण दे तो समझ जाना अवतल लेन से, और क्षमता भी ऋण दे तो समझ जाना अवतल लेन से। तो वो चिन्ह से आप ये बात समझना कि कौन सा लेन से, ये आप पता कर सकते हैं। या आप जब उत्तर निकालते हैं और चिन्ह आएगा तो आप बता देंगे कौन सा लेन। और परिभाषा सिर्फ एक लाइन की कि लेंस की फोकस दूरी मीटर में जो नापते हैं उसके व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहते हैं। तो क्षमता बराबर एक बटे फोकस दूरी, पी बराबर एक बटे एफ, काई में इन मीटर, आई एन इन मीटर, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं मीटर में, है ना। यहाँ मीटर में लिखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि अगर आप पी इजिकल टू वन अपान एफ नहीं लिख सकते अगर आप यहाँ मीटर में नहीं लिखते, फिर पी इजिकल टू हंड्रेड अपान एफ लिखना हो तो फिर यहाँ इन सेंटीमीटर लिखना हो, है ना। तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ओके। तो सूत्र क्या बना, पी बराबर एक बटे एफ काई में मीटर में। और यहां से आप एक और मजेदार बात बता दो, बहुत ही मजेदार बात, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, है ना। मतलब लेंस की क्षमता को काई में नापते हैं, तो आप बताना। देखिए मैं मात्रक निकालना सिखाता हूं आपको। पी बराबर एक बटे एफ होता है, तो पी बराबर हो गया एक बटे एफ काई में मीटर में। अब एक बटे मीटर हो गया, मीटर ऊपर जाएगा तो हो गया मीटर की पावर माइनस वन, मीटर की घात ऋण एक। अरे भाई मीटर लिखा ना नीचे, मीटर ऊपर गया तो मीटर की घात ऋण एक होगा। और ये मीटर का जो इनवर्स है वो क्षमता में कहलाता है डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, आप ऐसे भले आप ना लिख पाए एग्जाम में से, केवल एसआई मात्रक पूछे आप लिखना डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का एसआई पद्धति में मात्रक होता है डायोप्टर, क्योंकि वो एक बटे एफ हो जाता है, एक बटे मीटर, तो एक बटे मीटर आपका डायोप्टर बन जाता है। तो एक लाइन की परिभाषा, लेंस की फोकस दूरी मीटर में के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहते हैं, क्षमता पी बराबर एक बटे एफ मीटर में, और इसका एसआई मात्रक डायोप्टर है, कैपिटल डी डायोप्टर, आधा पावर टर डायोप्टर है। क्लियर हुआ। अब मैं आपको अब मजेदार फेस में आ रहे हैं। मजेदार फेस कौन सा, कि इसके सवाल करना। अब आपको इतना सा तो बड़ा सूत्र है, पी बराबर एक बटे एफ, क्या सवाल करेंगे इसमें भैया। या तो सिंपल है, या तो पी दिया होगा तो एफ पूछेंगे, और एफ दिया है तो पी पूछेंगे, बस इतना सा है। लेंस की क्षमता में कोई बहुत बड़े सवाल नहीं है, लेकिन टेंथ में एग्जाम में बहुत आते हैं, है ना, ट्वेल्थ फिजिक्स में भी है। तो देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये सूत्र हो गया, एक ही सूत्र पर सवाल आते हैं बस एग्जाम में, लेंस की क्षमता पी बराबर एक बटे एफ। अब आप कहेंगे इतने से सूत्र में क्या सवाल पूछते होंगे, देखिए सवाल लिखते देखें। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता ऋण 2.0 डायोप्टर है। 2.0 मतलब दो, काई का दो और माइनस का टू है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, चलिए क्षमता हमता तो बाद में निकाल देंगे, क्या करना है, क्षमता दे रखी है और फोकस दूरी पूछी, मतलब आपको इस सूत्र में क्या दिया है, आप खुद बताइए क्या दिया है। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए मतलब एफ पूछा है, अब एफ पूछा है तो फिर एक ही चीज दी होगी, पी, पी दिया है, कितना दिया है, ऋण का दो, तो पी की जगह ऋण दो लिखना और एफ निकालना है। अब आप ये कहेंगे, आप मुझे बता सकते हैं कौन सा लेंस है, क्षमता ऋण, अरे माइनस ध्यान लग गया, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, अभी तो बताया मैंने। देखिए आप ये मेरी देखिए, ये देखिए ये अवतल लेंस, फोकस दूरी भी ऋण और क्षमता भी ऋण। तो जब इस तरह का सवाल आता है तो आपका क्या हो गया, देखिए अब उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता ऋण दो डायोप्टर। तो इसमें पहले ही पहचान लिया आपने कि ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है, है ना। अब इसकी क्या निकालना है, फोकस दूरी, क्या दी हुई है, क्षमता, P बराबर क्या होता है, एक बटे एफ। बस इस सूत्र में तो मान भरना है, P बराबर एक बटे एफ, मान भरो। चलिए भाई मान भरते हैं, P की जगह क्या लिखना है, क्षमता दे दी ऋण दो, तो P की जगह ऋण दो लिख दो भाई, P की जगह लिखा ऋण दो। अभी 2.0 मत लिखो यार, ऋण दो लिख देना भले। तो ऋण दो हो गया, बराबर एक बटे हो गया एफ, काई में हो गया इन मीटर। अब नहीं लिखना हो इन मीटर तो यहां लिख दिया एक बार सूत्र में, बार बार नहीं लिखना, एक बटे एफ लिख देना केवल, ठीक है। निकालना क्या है, एफ निकालना, तो एफ को इधर लो, ऋण दो को इधर ले लेना। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ बराबर हो जाएगा एक बटे ऋण दो। अरे भाई ये एफ बराबर एक बटे ऋण दो है ना, ये तो मैं जानबूझ के बार बार लिखता हूँ, आप मत लिखिएगा, आप तो सिंपल लिखना है एक बार एफ बराबर एक बटे ऋण दो, और ये 2.0 भी मत लिखिए, कंफ्यूज करेगा, एक बटे सीधे ऋण दो लिखिए। अब एक बटे दो का मतलब तो आधा होता है ना, आधा मतलब 0.5, क्या होता है आधा मतलब 0.5, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी, माइनस चलेगा है, ये माइनस देखिए यहाँ दिया है माइनस, तो ये माइनस चलेगा है, फोकस दूरी आपकी हो गई -0.5। आपको पता है कि -0.5 मतलब आधा मीटर,
आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, आधा मीटर मतलब कितना है ये 50 सेंटीमीटर। आप सिंपली यहां से पहले तो लिख दीजिए 0.5 मीटर, क्योंकि ये आपका उत्तर हो गया एग्जाम में। अब अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना हो तो आप इसमें सेंटीमीटर के लिए क्या करते हैं, आप सौ का गुणा कर दो 0.5 में, या यहीं से देख लेना आधा मीटर है मतलब 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहां आप सौ का गुणा करेंगे तो ये आपका 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो एफ का मान आ गया माइनस का 50 सेंटीमीटर, या 0.5 मीटर में भी खत्म करना चाहें तो कोई बात नहीं, यही खत्म कर दीजिएगा आप एग्जाम में। तो ये आ गया माइनस का 50 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है, पहले ही मालूम है, अवतल लेंस है ना, कॉनकेव लेंस है। क्योंकि कॉनकेव लेंस में क्या होता है, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है और क्षमता भी ऋणात्मक होती है। तो क्षमता ऑलरेडी ऋणात्मक दी थी, हम समझ गए थे कि इसका उत्तर फोकस दूरी भी ऋणात्मक आएगा, और ये लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। अब सीधे सीधे मैं पूरा पूरा नहीं करूंगा, और एक क्वेश्चन आपको देता हूं करने के लिए, आप करिएगा है ना, और आप चाहें तो बाद में इसको हल करने के बाद में कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा है ना, आप कमेंट्स कीजिएगा कि हमारा हमने ऐसे इसको सॉल्व किया है, ठीक है ना। देखिए अब कैसे, देखिए उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता प्लस 2 डायोप्टर है, ऋण नहीं है आपकी बार, धन है, कैसे होगा बताइए। पी आपका प्लस का 2 दिया है, तो यहां आप पी की जगह क्या लिखेंगे, प्लस 2, प्लस 2, तो यहां आपका प्लस का 0.5, यही होगा ना, यही होगा ना। मैं तो सीधे उत्तर लिख रहा हूं भाई, ये प्लस का 0.5 आएगा है ना भाई। प्लस लिखना हो मत, नहीं लिखना तो भी चलेगा, ये 50 सेंटीमीटर आइए वो ऑटोमेटिक ही, क्योंकि वो जब आपका प्लस का आ रहा है मतलब वो कौन सा है, कॉन्वेक्स है, उत्तल लेंस है, जिसमें फोकस दूरी भी धनात्मक होती है और क्षमता भी धनात्मक होती है। इसी टेक्निक से आपको हल करना है, पी दे रखा है और एफ पूछा है, ये पी दिया है और एफ पूछा है, यही तो सवाल है, पी दिया है और एफ पूछा है, यही बिल्कुल इसी टेक्निक से होगा, बस ऋण की जगह क्या लिखा है, धन। तो आप समझ गए कि धन लिखा है मतलब लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है, क्योंकि उसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्षमता भी धनात्मक होती है। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया, और आज आप करेंगे तो इसको बहुत मजा आएगा आपको, और इनसे मत घबराना है। 2.00 लिए, 0 लिखा है, 0, अब ठीक है, वो उसको व्यक्त करने का तरीका है ना, कि ये एग्जैक्ट मान लिखने के लिए 2.0 लिखा है, लेकिन इसका मतलब माइनस 2 ही है ना, इसका मतलब प्लस 2 ही है, याद रखना। ओके, अब किसी लेंस की जो क्षमता है वो 1 डायोप्टर है, इस बात का क्या मतलब है। अरे भाई 1 डायोप्टर क्या है, मतलब डायोप्टर क्या हो गया, डायोप्टर तो लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेकिन अगर किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है इसका मतलब क्या है, 1 डायोप्टर अगर किसी लेंस की क्षमता, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपके, कि किसी लेंस की क्षमता जो है वो 1 डायोप्टर है, इस बात का क्या मतलब है। अरे भाई सीधी बात है, यहां देखिए आप लेंस की क्षमता, ऊपर ऊपर देखिए, लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी, अगर क्षमता 1 है ना, 1 डायोप्टर, क्षमता का मतलब डायोप्टर है, तो अगर यहां पर 1 उत्तर आ रहा है इसका मतलब ये 1/1 होगा, तभी तो 1 आएगा, तो इसका मतलब उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी है ना। तो जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होगी उस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे भाई फोकस दूरी 1 होगी तो 1/1 हो जाएगा, 1/1 को क्या बोलते हैं, 1 ही बोलते हैं ना। तो लेंस की क्षमता अगर 1 डायोप्टर है, मात्रक क्या है लेंस की क्षमता का, डायोप्टर है, तो यहां अगर 1 डायोप्टर उत्तर आना है तो यहां क्या होना चाहिए, 1/1 होना चाहिए, इसका मतलब फोकस दूरी कितनी होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए। तो 1 डायोप्टर क्षमता उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है, समझ में आ गया। तो क्योंकि हमको पता है कि मीटर इनवर्स को ही हम डायोप्टर बोलते हैं, 1/मीटर लिखते हैं तभी तो वो डायोप्टर बनता है ना। तो अगर ये 1 होगा तब ये 1 होगा, ठीक है ना। तो यहां याद रखिएगा इस बात को, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 डायोप्टर क्षमता किसको कहते हैं, किस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होगी, तो आप बोलना ऐसा लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर होती है उसकी क्षमता 1 डायोप्टर होती है, और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर, क्या है मात्रक, डायोप्टर, और लेंस की क्षमता का सूत्र क्या है, पी बराबर 1/f काई में मीटर में। अब इसकी परिभाषा बनाना हो तो बहुत सरल है कि लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को 1/फोकस दूरी, व्युत्क्रम उल्टा 1/, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उसकी क्षमता कहते हैं। तो ये परिभाषा भी बन जाएगी, और इसका मात्रक डायोप्टर है, और इस पर आपने सवाल भी कर लिया। तो इस तरीके से आपने अवतल लेंस में प्रतिबिंब बनाना